नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। रीवा में त्योथर से विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी। अब सिद्धार्थ तिवारी ने मजार के नाम पर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग कर डाली है। सोशल मीडिया पर अमहिया में सड़क के मोड़ पर बने मजार की तस्वीर और वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर अवैध कब्जा जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि अवैध कब्जे को हटाया जाए। बता दें कि अमहिया में ही विधायक सिद्धार्थ तिवारी के साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का भी आवास है और सड़क के मोड़ पर बने मजार के चलते आए दिन यहां जाम के हालात बनते हैं और लोग जाम में परेशान हो रहे हैं। अमहिया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह का अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। तो जन साधारण की सुविधा की बात कर रहे हैं यहां पर जन सेवक विधायक सिद्धार्थ तिवारी और कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अवैध कब्जे जो किए जाते हैं वो जनता के लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब जो ये पूरा एरिया है वो कंजस्टेड हो रहा है और जो सड़क पर आप ये किनारे मोड़ पर ये मजार देख रहे हैं, इनका दावा है कि इस मजार की वजह से यहाँ आए दिन जाम लगता है जिससे जनता को परेशानी होती है। रीवा से हमारे सहयोगी विजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विजय, पहले तो आप इस मजार का इतिहास बताइए, कब से मजार यहाँ पर ये है और कितना यहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें असुविधा होती है इस मजार की वजह से। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मजार लगभग 200 साल पुरानी बताई जा रही है। हमारे सामने आप देख पा रहे हैं ये हाजी बाबा सैयद जहूर अली की, ये जो है लगभग 200 साल। ये लोगों का कहना है कि हमारे आजा परपाजा 5 से 7 फुट पहले ये यहाँ मजार बनाई गई थी। पहले 4x4 के चादर के रूप में स्थाई थी, धीरे धीरे ये मजार बनी, मजार के बाद बाउंड्री बनी, बाउंड्री के बाद आप देख पा रहे हैं पूरा ये रोड लगा हुआ है। ये रास्ता जो है वो डिप्टी सीएम के घर की ओर जाता है और इधर आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप मेरे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये मेन मुख्य मार्ग है, सिरमौर चौक से लेकर हॉस्पिटल चौक के लिए मुख्य मार्ग है। जो आप देख पा रहे हैं कि कैसे यातायात प्रभावित है, बीचों बीच रोड के तरफ ये मजार का ये आप देख पा रहे हैं नजारा। जी धन्यवाद आपका विजय गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए भी और इन तस्वीरों के लिए भी। इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक होटल से 22 भिखारी पकड़े हैं। जी हां, ये 22 भिखारी दिन में भीख मांगते थे और रात को होटल में लग्जरी लाइफ बिताते थे। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये भिखारी राजस्थान के रहने वाले हैं और 22 लोगों का ग्रुप राजस्थान से यहां आया हुआ है, जिनमें से 11 बच्चे हैं यानी कि नाबालिग हैं और 11 महिलाएं हैं। वहीं अधिकारी भी इन्हें देखकर हैरान थे। अधिकारियों ने होटल मालिकों को भी आगे से अलर्ट रहने के लिए कहा है। और बिल्कुल, अगर इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में कोई इस तरीके की चीज़ आएगी जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि कोई उनसे ये काम करवा रहा है और इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त है, तो निश्चित रूप से न केवल आपराधिक प्रकरण, अगर आवश्यकता पड़ी तो जिला पदारी NSA जैसी कार्रवाई भी ऐसे माफियाओं के खिलाफ में करी जाएगी। तो 22 भिखारियों को पुलिस ने पकड़ा है इंदौर में भीख मांगने को लेकर। इससे पहले भी आपने देखा है कि विरोध भी उठता रहा है, मांगे होती रही है, कानून भी और आदेश भी सामने आया है और उसके बावजूद यहाँ पर राजस्थान से लोग आए हैं जो दिन में इंदौर की सड़कों पर भीख मांग रहे थे और रात में होटल में स्टे कर रहे थे। देखिए, ये दिन में भीख मांगते थे सड़कों पर और रात में होटल में स्टे कर रहे थे और राजस्थान से आए थे। ये भिक्षा टूरिज्म पर आए थे 22 लोग, जिनमें से 11 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं जो नाबालिग हैं और
मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मिथिलेश, भिक्षा टूरिज्म क्या यही कहा जाए इसे? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके खिलाफ प्रशासन की बड़ी सख्त कार्रवाई भी इंदौर में चल रही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर किसी चौराहे पर आपको लोग भीख मांगते मिले, वृक्षावृत्ति करते मिले, उनके बकायदा फोटो लीजिए, वीडियो लीजिए, और प्रशासन ने जो एक नंबर जारी किया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके लिए आपको बकायदा इनाम भी दिया जाएगा। लगातार बड़ी कार्रवाई चल रही है, और जैसे ही कलेक्टर को सूचना मिली कि राजस्थान से भिक्षावृत्ति के लिए एक बड़ा जत्था इंदौर पहुंचा हुआ, उन्होंने तत्काल महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को एक बड़े दल के साथ में सर्वटे भेजा। जब सर्वटे टीम पहुंची तो एक होटल के अंदर ये सभी लोग रुके हुए थे। 11 महिलाएं थी और 11 नाबालिग छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। टोटल 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया, और ये लोग राजस्थान से इंदौर भिक्षावृत्ति के लिए आए थे। तत्काल प्रशासन ने व्यवस्था करके इन्हें राजस्थान इनके गांव भेज दिया। कलेक्टर ने सख्त चेतावनी दे दी है। कलेक्टर ने सभी होटल और लॉज जो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के आसपास है उन्हें सख्त निर्देश दे दिया। अगर वृक्षावृत्ति करने वालों को जगह दिया, होने रूम्स दिए, तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। यानी वृक्षावृत्ति के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है, और दूसरी तरफ प्रशासन ने कहा कि वृक्षावृत्ति मजबूरी हो सकती है। अगर मजबूरी है तो उसके लिए पुनर्वास केंद्र है। हम लगातार इन्हें रेस्क्यू करके पुनर्वास केंद्र ले जा रहे हैं, इन्हें रोजगार से जोड़ रहे हैं, इन्हें स्किल सिखाई जा रही है कि ये कुछ पैसे कमा सके। के लिए भी तमाम यहां पर कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका मिथिलेश पूरी बातचीत के लिए। वहीं सीधी में आदिवासियों की आस्था का केंद्र रहा तुर्रानाथ मंदिर, यहां चोरी हो गई है। चोर मां जगदम्बा की मूर्ति के साथ ही भगवान शिव की मूर्ति को भी चुरा कर ले गए। चोरों ने जेसीबी लगाकर आधी रात को मंदिर में तोड़फोड़ की और फिर प्रतिमा लेकर फरार हो गए। बता दें कि ये मंदिर हजार साल से भी पुराना है, जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। तो यह आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, दूर दराज से भी भक्त यहां पर आते हैं। मां जगदम्बा की यहां मूर्ति थी, भगवान शिव की मूर्ति थी, और उन दोनों ही प्रतिमाओं को चुराकर यहां से चोर ले गए हैं। रात को जेसीबी लगाकर यहां मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दोनों ही प्राचीनतम मूर्तियों को चोर चुराकर ले गए। हजार साल से भी अधिक समय से ये मंदिर पुराना बताया जा रहा है। ये बेहद पुराना मंदिर है, और यहां पर अब पुलिस पहुंची है, मामले की जांच शुरू की गई है। जो उन्होंने वहां जो क्षतिग्रस्त की है उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए, और शासन प्रशासन मिलके जहां कहीं भी हो उस नादान को पकड़ा जाए, उससे बयान लिया जाए, उसको दंड दिया जाए। हम लोगों का धरोहर का रखरखाव प्रशासन शासन करे और पता लगाए, इसके लिए हम तैयार हैं, पब्लिक तैयार है। हम लोगों का कई क्षेत्रों का कई पंचायतों का धरोहर है हमारा वो केदार। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। चोरी से पहले जब यहां पर मां जगदम्बा की मूर्ति थी, भगवान शिव की मूर्ति थी, और इन दोनों ही मूर्तियों को चोर चुरा कर ले गए, जेसीबी लगाकर आधी रात में यहां पर तोड़फोड़ की है। आप देख पा रहे हैं वो मूर्ति, और अब आप देख सकते हैं कि चोरी के बाद यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। चोरी से पहले और चोरी के बाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। रतलाम से नागदा जा रही डीजल से भरी मालगाड़ी पलटने के मामले में अब साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। हाल फिलहाल में देश के कई हिस्सों में ट्रेन को डीरेल करने की कई घटनाओं को देखते हुए आशंका है कि कहीं रतलाम में भी तो ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश तो नहीं की गई। बता दें कि कल देर रात डीजल से भरी मालगाड़ी के 3 वैगन पलट गए। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी थी, अगर इसकी जगह कोई सवारी गाड़ी होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जांच एजेंसियां साजिश और दुर्घटना के एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। इस बीच दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को क्लियर कर दिया गया है और ट्रेन रूट पर रेल यातायात बहाल हो गया है। तो साजिश के एंगल से अब एजेंसियों की जांच जारी है। देश में इससे पहले भी लगातार ट्रेन डिलेल करने की घटनाएं सामने आती रही हैं, तो कहीं यहां पर कोई साजिश तो नहीं की गई थी ट्रेन को डिलेल करने की।
चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। बेपटरी हुई मालगाड़ी, डीजल से भरे तीन वैगन थे यहाँ पर। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मालगाड़ी पलटी तो तेल लूटने की होड़ मच गई। वहीं दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है जो अब पूरी तरह से क्लियर हुआ है। देर रात जो है तीन वैगन जो है पेट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई मालगाड़ी की वो डिरेल हुए थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ लाइव तस्वीर है। यहाँ पे अभी जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका यहाँ पे काम लगातार जारी है। 200 से ज्यादा जो रेलवे कर्मचारी है अधिकारी है वो रात से ही यहाँ पे युद्ध स्तर पर लगे हुए थे क्योंकि मेन ट्रैक है। डाउन लाइन यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, बंद थी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अप लाइन से ट्रेनों का परिवहन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और ये देखिए सीधी तस्वीर है आपको, जो इलेक्ट्रिक पोल है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था, कुछ स्लीपर भी यहाँ पे डैमेज हुए थे, लेकिन अब जो है फाइनल स्टेज में इस काम को किया जा रहा है। दो से तीन जो ओएची है उसको यहाँ पे सही किया जा रहा है। तो अब कुछ ही देर बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जो ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है आवागमन इस ट्रैक पर से शुरू किया जाएगा। वह शिवपुरी में खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन रतलाम में डीजल लूटने वालों की किस तरह से होड़ मची हुई है वो भी जरा देख लीजिए। रतलाम से नागदा जा रही डीजल से भरी मालगाड़ी के तीन वैगन पलट गए थे और इनमें से डीजल रिसने लगा। लोगों को जैसे ही जानकारी लगी लोग यहाँ पर अपने बर्तन लेकर पहुंच गए और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर बर्तनों में डीजल को लूट कर ले जा रहे हैं। कोई बाल्टी लेकर आया था, कोई कनस्तर लेकर आया था, कोई ड्रम लेकर आया हुआ था और फिलहाल अब दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को क्लियर कर दिया गया है। तो डीजल से भरे तीन वैगन यहां पर बेपटरी हो गए थे और जिसके बाद इसी डीजल को लूटने के लिए आसपास के लोगों में ये खबर फैली कि यहां पर डीरेल हुई है ट्रेन। उसके बाद लोग पहुँच गए अपना अपना बर्तन लेकर इस डीजल को लूटने के लिए। और बात शिवपुरी की, जहां खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं और पुलिस भी लाइन में लगी किसानों के साथ बदसलूकी कर रही है। ऐसा ही मामला जिले के लुधावली खाद केंद्र पर देखने को मिला, जहां खाद केंद्र पर खाद के लिए पहुंचे किसान के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की। देहात थाना पुलिस की किसान से की गई बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुरैना में खाद की कालाबाजारी की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने खाद वितरण केंद्र पर छापा मारा। कैलारस में खाद गोदाम पर छापेमारी के दौरान 100 बोरे डीएपी खाद को जब्त किया गया। किसानों की शिकायत है कि दुकान संचालक ने कालाबाजारी के लिए खाद स्टॉक को जमा किया था। बता दें कि क्षेत्र में किसानों को खाद के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्र पर किसान रात रात भर लंबी लाइन में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों ने डीएपी खाद के स्टॉक की जमाखोरी कर रखी है। मेरी इस संबंध में तहसीलदार कैलारस से बात हुई है। उनका ये कहना था कि कुछ अधिक पैसे पर खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस सिलसिले में उन्होंने कृषि विस्तार अधिकारी और पुलिस के साथ छापामार कार्रवाई की और कोई सैनिक खाद बीज भंडार है वहाँ करीब 100 बोरी डीएपी उन्होंने रखा पाया, और जबकि उनका ये कहना था कि उनके पास डीएपी है ही नहीं। ऐसी संभावना है कि वो शायद मैं कह रहा हूँ, पुष्टि नहीं कर रहा अभी, शायद ब्लैक के लिए रखा गया हो तो उनको उन्होंने जब्त कर लिया है, सील कर दिया है। अगली खबर जबलपुर से है जहां नाबालिग ने स्कूल में छात्र को चाकू मारा। पेट में चाकू मारने से छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ही छात्रों में कल हुआ था झगड़ा। आरोपी नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों ही छात्रों में कल झगड़ा हुआ था और आज नाबालिग ने छात्र को चाकू मार दिया जिससे छात्र के पेट में चाकू मारा है। ऐसे में छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए। पवन, क्या आरोपी भी छात्र था और झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? जी, ये पूरी घटना जो है गांव के दो बच्चों के बीच में है जिसमें एक नाबालिग किशोर है जो शायद उस स्कूल में नहीं पढ़ता है लेकिन दूसरा जो छात्र है वो गांव के ही स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था जिसकी कल आपस में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और आज सुबह सुबह नाबालिग किशोर चाकू लेकर के स्कूल में पहुंचा और जहां फिर से 9वीं के छात्र से विवाद हुआ और दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ तब नाबालिग किशोर ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। इस चाकू के हमले में
जो नौवीं कक्षा का छात्र है उसके पेट में और आंतों में गंभीर चोटें पहुंची जिसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने जो आरोपी छात्र है जो नाबालिग किशोर है उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल जो घायल छात्र है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। धन्यवाद पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर भी जबलपुर से है जहां बी सड़क पर एक बार फिर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता प्रभात साहू ने अपने जन्मदिन पर हर्ष फायर किया जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। बीजेपी नेता के जन्मदिन के मौके पर सैकड़ों समर्थक बी सड़क पर पहुंच गए और नियम कायदों को ताक पर रखते हुए जन्मदिन में हर्ष फायर कर दिया। इंदौर में फिर गरजा निगम का बुलडोजर। अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है। बाधक फैक्ट्रियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 6 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर यह कार्रवाई हो रही है। भारी मात्रा में निगम के अधिकारी मौजूद हैं। इसलिए आप देख सकते हैं इंदौर में ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। फिर गरजा है निगम का बुलडोजर। अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था उस पर यह एक्शन हुआ है। विदिशा में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया है। शमशाबाद के डंगरवाड़ा में गौशाला की जमीन पर कई सालों से यहां पर भू माफियाओं का कब्जा था लेकिन कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण को अब हटा दिया गया है। तस्वीरें विदिशा की आप देख रहे हैं। भू माफियाओं ने जमीन पर कब से कब्जा किया हुआ था। सरकारी जमीन थी ये और अब यहां कलेक्टर के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाया गया है। सभी जो हमारी गौशालाएं बनी उनके आसपास और अन्य ग्रामों में भी जहां हमको गौ वंश को बिठाने के लिए आवश्यकता है उन गांवों में हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे और जगह को मुक्त करा के पंचायत के हैंडओवर करेंगे। तकरीबन अभी तक कितने हेक्टेयर जमीन को खाली करवाया गया है? अभी तक करीब 150 हेक्टेयर के आसपास जमीन खाली हो चुकी है। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।